हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि विलीमा पार्ट 2 है। ये किस तरह तैयार कर रही हैं आप? आपको नहीं पता कि ये लिपस्टिक कलर इसके साथ सूट नहीं करता, चेंज करें इसे। और वैसे भी कोई लाइट पिंक कलर यूज़ करें। आईसान के फिर से बोलने पर हुडिया ने आंखें मीच कर अपने गुस्से पर काबू किया। अजीब शख्स था, जब से ब्यूटिशियन आई थी तब से सर पर सवार था। ज्वेलरी से लेकर मेकअप तक एक एक चीज़ खुद बताकर तैयार करवा रहा था। कभी ये सेट अच्छा नहीं, कभी ओल्ड फैशन, ये मस्कारा अच्छे ब्रांड का नहीं, कभी ये आई शेड ठीक नहीं, ये बेस ओवर है, कभी ये लिपस्टिक डार्क है। अब तो हुडिया की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। बाहर सब मेहमान आ चुके थे, अकीदत और दुर्गा भी स्टेज पर जा चुके थे, और एक ये था जो हुडिया शाह का शोहर, जिसे ब्यूटिशियन के हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे। कितनी बार वो ड्रेस चेंज कर चुकी थी और मेकअप अब तो हद हो गई थी। थैंक यू सो मच, आप जाएं, मैं खुद देख लेती हूँ, आयशा को किन्ना तो नज़र से देखते हुए ब्यूटिशियन से कहा। तो उस बेचारे ने भी सर स्पा में हिलाते हुए वहाँ से भागने में आफियत जानी, वरना ये पागल हान उसे आज ब्यूटिशियन से पागल बनाकर ही बेचता। ब्यूटिशियन के निकलते ही हुडिया ने ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाकर पटनने के अंदाज में जमीन पर फेंका, तो आयशा ने आईब्रो झुकाकर हुडिया को देखा, जो सी ग्रीन कलर की मैक्सी के साथ लाइट डायमंड ज्वेलरी पहने, चॉकलेट ब्राउन बालों का जोड़ा बनाए, लाइट मेकअप किए सीधा आयशा के दिल में उतर रही थी। ये क्या हरकत है आइस, पिछले 5 घंटों से बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई है और आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा? और कितना एक्सपीरियंस है, यह कलर अच्छा है, ये ब्रांड ठीक नहीं, आप सिंगर हैं या वहाँ फीमेल सिंगर्स के ब्यूटिशियन भी रहे हैं आप? अगर मैं नहीं अच्छी लग रही तो ना देखे ना, ऐसे भी कोई करता है? नहीं पसंद आपको तो सीधी तरह के इस तरह तो तकलीफ ना दे मुझे, एक झटके में अपनी जगह से खड़े होते हुए आइस के रूबरू खड़े होते हुए झंझलाते हुए कहा। तो आइस ने खामोश नजरों से हुडिया को देखते हुए अपना दायां बाजू हुडिया के कमर के गिर्द लपेटते हुए खुद में बीच लिया। क्यों ना देखूं, हक है मेरा, और किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही? तुम इस कदर अच्छी लग रही हो कि मेरा तुम्हें बाहर ले जाने का दिल नहीं कर रहा। देखो, सबको पता है कि तुम तैयार हो रही हो, तो कोई हमें डिस्टर्ब करने नहीं आया, बस थोड़ी देर और ये फंक्शन खत्म हो जाना है, बाहर जाने की निस्बत ही नहीं आएगी। दादी कुछ कहेंगे, तुम्हारे पास रीजन होगा कि ब्यूटिशियन ने तुम्हारा मेकअप खराब कर दिया था और फिर तुम इस पापा रोने लगेगी और बाहर आने से इनकार कर दिया, और जब मेरी बीवी रूम में थी तो मेरा बाहर का काम? दोनों बाजू हुडिया के कमरे के लपेटे कांधे झुका कहा। तो हुडिया ने उनको की तरह मुंह खोले अपने शोहर को देखा। आईसान के नादर हयालात जानकर हुडिया का दिल किया कि अपना सर किसी दीवार पर मार ले। ये सब मेरा मतलब ये सब बाहर ना जाने की वजह से कर रहे थे आप? हुडिया के हैरत भरे लहजे पर आईसान ने सुबह में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर हुडिया को देखते हुए आंख दुबाई। तो हुडिया ने सख्ती से अपनी मुठियां बीच कर आईसान को हून हवा नजरों से देखा। शर्म नहीं आ रही आपको आइस? यहाँ मसलसल पिछले पाँच घंटों से बैठ बैठ कर मेरी कमर कट गई है, दर से आप मुझसे मजीद बैठा नहीं जा रहा, और आप ये सब सिर्फ बाहर ना जाने की वजह से कर रहे थे? आपको जरा मेरा एहसास भी है या नहीं? हुडिया का बस नहीं चल रहा था, या तो वो खुद को कुछ कह लें या इस गुन्ने मेसने शहस को। शोर का काम, शर्म से क्या काम? दर्द क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तो रात का सोचा था तुम्हें अगर ज्यादा दर्द है तो आओ, मैं अभी बाम लगा देता हूँ और तुम्हें अम्लन बता भी देता हूँ कि तुम्हें किस कदर एहसास है, कि तुम्हारा किस कदर एहसास है। हुडिया के नाक पर अपने लब रखते बोझे लहजे में कहा। तो आयशा की जज्बे लुटाती नजरों को खुद पर घरे देकर हुडिया का नजरे उठाना मुहाल हो गया था। अपने हुश पर तहल को तय करते हुए कसम खाकर आयशा का हसार तोड़ना चाह, क्योंकि अब इस बेपाक शख्स को और क्या कह सकती थी। हर बात को तो वो अपने मतलब की बात का रंग दे देता था। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो बाहर चलें, सब इंतज़ार कर रही हैं आइस, क्या सोचेंगे सब? इल्तजाई नजर से आयशा को देते मतलब लहजे में कहा। तो आयशा ने गहरी सांस भरते हुए अपना दायां हाथ बढ़ाकर हुडिया के गर्दन और चेहरे के दरमियान रखते अंगूठे से हुडिया की शहरा को सहलाया। आयशान के लम्स पर हुडिया को अपने समय सख्त लहर सहित करते हुए महसूस हुई। इजाज़त तो मुझे तुम्हारी चाहिए बीबी, इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हें दुनिया वालों की पड़ी है, बाहर लोग क्या सोचेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ तुम इसके बारे में सोचो, हम दोनों के दरमियान इन फजूल बेमानी दूरियों को ख़त्म करने के बारे में सोचो। दो कदम के फासले को सिमरते एक बार फिर से हुडिया को अपने हसार में लेते हुए गंभीर बोझ लहजे में कहा। तो हुडिया ने हड़बड़ाकर आयशा के हसार को तोड़ने की कोशिश की, जो बेहूद होता हुआ सब कुछ फरामोश किए हुए था। आयस प्लीज़ इस तरह मत करें, बाहर चलें ना, अभी हुडिया को छोड़ कहती है कमरे के दरवाजे पर होती दस्तक पर एक झटके से आयशा का हजार तौर का पीछे हुई। इस पर आयशा ने घूरकर हुडिया को देखा, वो वार्निंग देती नजरों से देखते हुए दरवाजे की जानब बढ़ा। माना कि यह दिन आप लोगों का है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गरीबों को लिफ्ट ही ना करवाएं। आयशा का दरवाजा खुलते ही सलवार शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आयशा ने अपने स्याह बालों में हाथ फेरते हुए होंठों का किनारा दांतों तले दबाकर हुडिया का ऊन चलते चेहरे को देखा।
मिस्टर मस्टर्ड कलर की पॉन्को छूती फ्रॉक पहने, जिसके दामन और गले पर ग्रीन, नारंगी और पीले रंग का काम हुआ था। ब्राउन बालों को फ्रेंच छुट्टियां में कैद किए कमर पर छोड़ा हुआ था। छुट्टियों से निकलते हुए आवारा लिट्टे चेहरे का अहाता किए हुए थी। गड़े आंखों में काजल की लकीर खींचकर उन्हें मजीद दिलकश बनाया गया था। लाइट मेकअप किए वो देखने वालों को चारू हानि चत करने की सलाहियत रखती थी। नहीं, वो हम बस आ ही रहे थे। वो ब्रिटिशों को मेकअप ही नहीं करना आ रहा था। आयशा को हनुमान नजर देते हुए दांत पीसते हुए कहा तो सबराज शाह ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मुझे भी यही लग रहा है कि ये ब्यूटिशन ही ठीक नहीं थी, इतना टाइम बर्बाद कर दिया। सबराज शाह ने तासुब से हिलाते हुए कहा। तो हुरिया ने रूहानी नजरों से दरवाजे से टेक लगाए आयशा को देखा, जो ब्लैक पैंट कोट के साथ व्हाइट शर्ट पहने हुरिया के दिल से दिल के तार छेड़ रहा था। हुरिया के देखने पर आयशा ने आगे बढ़ते बिना सबराज शाह की परवाह किए हुरिया के कमरे की गिद लपेट कर बाहर के जाने में कदम बढ़ाए। आ जाए साली साहबा, एक तो आप उर्दू की बातें ही खत्म नहीं होती, वक्त देखिए क्या हो गया है। आयशान ने सारा मलबा हुड़िया सलवा पर डाल देते हुए दोनों होनकू की तरह मुंह खोले इस मेसनी हान को देखती रह गई, जो लापरवाह बनता हुआ नाक की सिद में चलता जा रहा था। रोशनियों के सजे लान के एक कोने में खड़ी स्किन कलर की मैक्सी पहने पूर पूर सजी, आंखों में नफरत की आग लिए चेहरे पर स्पार सजाए नजरें सामने स्टेज पर बैठे जरगा मां के साथ खड़ी मुकद्दस बेगम कर पर टिकाए फोन पर किसी से मुहे गुफ्तगू हुई। क्यों, हम वहाँ की दुश्मनी मोल ले रही हैं, जो जैसे करता है करने दो। हमारे पहले से ही बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करना है। अब तुम इस खानदानी दुश्मनी का भी हिस्सा बन रही हो। मोबाइल से कदे झंझलाती हुई आवाज़ गूंजी तो अकीदत शाह के होंठों पर तंजा मुस्कुराहट डिंग गई। ये नफरतें ये दुश्मनियाँ तो विरासत में मिली हैं, और विरासत में मिली हुई चीज़ें उनको कबूल करना ही पड़ता है। हम जितना भी इनकार करें मगर लोग जानते हैं कि विरासत हमारी है, कोई दौलत नहीं। जिसे इनकार करोगी तो महान कहलाओगे, दुश्मनी है ये। इनकार करोगी तो बुजदल कहलाओगी, कबूल करोगी तो एक ना एक दिन जीत जाओगी, या इस दुश्मनी को नंबाते नंबाते मर जाओगी। अच्छा छोड़ो, वो तुम्हारी सुतेली सास ने नंबर लिया था, क्या बात हुई तुम्हारी उनके साथ। फोन पर मौजूद अकीदत के कोलिक ने बात बदलते हुए कहा, मगर वो नहीं जानता था कि अगली बार पर वो सर पकड़ कर बैठ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे कहा। कुछ नहीं, उन्होंने मुझे कहा, इतनी अक्कड़ और गुरूर किस बात का। तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि खानदानी आदत है गुरूर और अक्कड़ की। अब खून में ये सब शामिल है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फिर मुझे बुरा बल्ला कहकर फोन रख दिया। अकीदत शाह के कंधे झुकाकर कहने पर फोन पर दूसरी जानब यह सुनते शख्स ने सच में अपना सर पकड़ लिया था। तुम पागल हो, जानते भी हो वो औरत किस कदर बलबला मचाएगी इस बात पर कि तुमने खानदान वालों को ताना दिया, दांत पीस कर कहा गया, मगर इधर परवाह ही किसे थी। वो तुम्हारा शोर, उसने क्या कहा। लहजे में तजस्सुस समोए इस्तफसार किया तो किसने सामने स्टेज पर बैठे हुए मोबाइल पर मसरूफ जरगाम खान को देखा, जो अपनी मगरूराना पर्सनैलिटी और मर्दाना वजाहत के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ था। हाँ कहा ना, यारे मन नफरतों की दुनिया में खुश आमदेद। होंठ पर तनते मुस्कुरा सा जैसा जटकते हुए जवाब दिया तो दूसरी जगह मौजूद शख्स ने अपने होंठ बिछे, तुम्हें पता है वहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मेरा शोहर, यखलफ से जवाब देकर अपनी जगह अपनी जाने बढ़ते उस दरगाम खान को देखा, जिसकी आंखों और होंठों पर रिंगती मुस्कुराहट उसकी जीत का पता दे रही थी, और वो मजबूत कदम लेती अपनी टाई को उतारता उसके जन्म आ रहा था। नाराज हो, अकीदत का हाथ थामे वो अपने हाथ में मौजूद टाई को अकीदत की कलाई पर बांधते हुए नरम लहजे में कहा। तो अकीदत ने नाराजगी से चेहरे का रुख फेरा तो दरगाम खान ने झुक कर अपने लब अकीदत की कलाई पर रखे, इस तरह अदाएं ना दिखाओ जाना, वरना मैं किसी का भी लिहाज किए बगैर कोई गुस्ताही कर गुजरूंगा। अकीदत के हाथ की उंगलियों में जबरदस्ती अपनी उंगलियां उलझाए बोझे लहजे में कहा। तो अकीदत ने शिकवा को नजरों से जरगाम खान को देखा, तुम शायद बोल रहे हो कि किस कदर तल लहजा अपना चुके हो मेरे साथ, अब ये मोहब्बत के ड्रामे करने की जरूरत नहीं। इसकी निगाह दुराते हुए स्पार लहजे में कहा तो जरगाम खान ने खामोश नजर से अकीदत के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए दो कदम के फासले को सिमटते हुए अकीदत के करीब तर खड़ा हुआ। जरगाम खान के वजूद से उठती डॉ परफ्यूम की खुशबू की अकीदत को अपने नथनों से टकराई, हवासों में छोती हुई महसूस हुई। इस दुश्मनी में तुम भी तो मुझे तकलीफ देती हो ना। जरगाम खान के शिकवागुन लहजे पर अकीदत ने ग्लूकोज को देखा। तकलीफ, मैंने तुम्हें तकलीफ दी जरगाम, मैंने गुस्सा किया, लड़ाई की, मगर तुम्हारे करीब आए, तुम्हारे रिश्ते में पहल हमेशा मैंने की, क्या तुम्हें मेरा करीब आना तकलीफ देता है। अकीदत के दबे दबे लहजे पर छलाका कहने पर जरगाम खान ने शहादत की उंगली अकीदत के होंठ पर रखी। मैंने कब उसे तकलीफ कहा, तकलीफ तो वो है जो अब तुम मुझसे दूर रहकर दे रही हो, तकलीफ वो है अकीदत जो तुम पास आकर दूर चली जाती हो, तकलीफ ये है कि तुम अभी भी इस रिश्ते को लेकर कचमकच में मुतला हो, ये सब अपनी तकलीफ देता है। ए छोड़ो, आओ वहाँ बैठते हैं, दाजी बुला रहे हैं और बड़ाम लोग भी आ जाने लगे हैं, तो तुम फूफो से मिल लो आकर।
अकीरत का हाथ हमें स्टेज की तरफ बढ़ाते हुए स्पॉटलाइट में कहा तो अकीरत ने बुरी तरह अपने लब कुचते हुए जरगामान की चोरी पुश्त को देखा। आज सबको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वही वक्त फिर से लौट आया है। अब तो दुआ है रब तुम सबको हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते एक साथ रखे। वलीहा ने खड़ी होते हुए अकीदत और हुरिया के सर पर प्यार देते हुए कहा तो हलीमा और समरीन बेगम ने बेसाता आमीन कहा। अल्लाह उन्हें खुश रखे। चले बाबा अब हम लोग निकलते हैं। फिर लीमा बेगम ने प्यार से जरका मार के सर पर हाथ फेरते हुए वलीहान से कहा तो उन्होंने मुस्कुरा कर अस्पाब में साड़ी लाया। सलबा शाह ने आगे बढ़कर हुलिया को गले लगाया तो नजरें बे एहतियार सोफे के पीछे खड़े सफेद काटन के सूट पहने कंध पर स्याह उजर फैलाए चेहरे पर सजीदा तासा सजाए खड़े अरगमान हान की ऊंच लगती आंखों से टकराई। अरगमान हान की सद नजर सलबा शाह को अपने जिस्म से आड़ पाड़ होती हुई महसूस हुई तो सलबा शाह ने झिटकते हुए नजरों का रूप फेर कर कदम अकीदत की जानब बढ़ाए जबकि सलवा की इस हरकत पर अरगमान हाने सूबे के पुष्ट को अपनी सर्द गिरफ्त में लेते हुए साथी से अपने जबड़े बिछे। एक मिनट नानी जी ऐसे कैसे जा रही हैं? हमारे अरगमान के दुल्हन तो देखते जाएं। मकदस बेगम की आवाज पर सामने बेसाता स्टेज से नीचे खड़ी मकदस बेगम को देखा जो घूमघट ओढ़े एक वजूद को थामे खड़ी थी जबकि मकदस बेगम की इस अमल पर सरगम और आयस ने साथी से अपने जबड़े बिछे। क्या मजाक है बहू ये सब बाद में भी हो सकता है। वलीहा ने दबे दबे लहजे में तनबिया की जिसे नजरअंदाज करते हुए मुकद्दस बेगम घूंघट में छुपे वजूद को कसीने के अंत में स्टेज पर लाकर सोफे पर बिठा चुकी थी। कैसी बातें कर रहे हैं दाजी निकाह हुआ है दोनों का रिश्ता मजाक हरगिज नहीं है कल भी तो सबको पता चलना है ना तो मैंने सोचा आज इस खुशी को दुबाला कर दिया जाए। सोफे के पीछे खड़े अरगमान हान को जबरदस्ती बाजू से घसीट कर सोफे पर बिठाते हुए तनदिया लहजे में कहा तो माहौल में एकदम से मोसा सन्नाटा छा गया जबकि अकीलत के करीब खड़ी सलवा चाह को अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस हुई। चनक के सीने से कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ अपने बेजान होते जिस्म के साथ पीछे हटती बेहराम शाह के सीने से लग गई थी जिस पर बेहराम ने अपना बाजू सलवा शाह के कांधे के गिर्द फैलाकर हल्के से थपथपाया। अकीदत देखोगी नहीं अपनी देवरानी का चेहरा तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम्हारा हक पहले बनता है आओ देख लो और नेक दो कुछ अपनी देवरानी को। मुकद्दस बेगम के मकार लहजे पर अकीदत ने किना तो नजर से उन्हें देखा जबकि सरगाम ने अपनी माँ की इस हरकत पर साथी से अपनी मुठियां बीच कर अपने इस्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की जबकि अरमान खान की नजरों ने दूर तक सलवा शाह का पीछा किया था। स्टेज पर जहाँ कुछ देर पहले सब कुछ गप्पू में मसरूफ थे अब वहीं मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। अकीदत ने एक नज़र मकदस बेगम के चेहरे को देखकर अपनी जगह से उठती घूंघट में छुपे वजूद के सामने खड़ी हुई दिल इस कदर जज्बा से आड़ी था वो समझ चुकी थी कि क्या खेल खेला गया है मगर बस एक आड़ी उम्मीद पर वो ये घूंघट उठाने लगी थी कि शायद वैसा ना हो जैसा वो सोच रही है। अकीदत ने हाथ बढ़ाकर जैसे ही घूंघट उठाया तो पीछे खड़ी हलीमा बेगम पर सख्ता सा छा गया जबकि अरमान खान अकीदत के घूंघट उठाने से पहले ही लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां से निकलता चला गया था। अकीदत का फकचेरा देखा हुड़िया एक चटके से अपनी जगह से खड़ी होकर सामने आई तो वो भी लंबे के लिए अपनी जगह साकत रह गई। ये क्या बकवास है पलबशा मेरे भाई की मंग है किसकी इजाजत से निकाह किया है आपने। अकीदत ने घुरा का कहने पर जरगाम खान ने एक ताजस भरी निगाह अपनी माँ पर डाली और उठकर खड़ा हुआ कौन सी मांग कोई मांग नहीं है ये मेरी बेटी नहीं मानती थी इस रिश्ते को अगर तुम लोग भी इनकार कर दे देती तो हम लोग भी कभी तुम लोगों के साथ जबरदस्ती ना करते तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ये। अभी मुकद्दस बेगम अपनी बात मुकम्मल करती कि अकीदत का हाथ उठा था उनके चेहरे पर निशान छोड़ता चला गया। दो थप्पड़ मुकद्दस बेगम के चेहरे पर मारते उन्हें दोनों बाजू थाम कर अपने रूबरू किया बकवास बंद करो घटिया औरत जान ले लूंगी मैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के हक पर डाका डालने की तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ खेल खेलोगी और मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी। अपने भाई के हक लेने के लिए मुझे तुम्हारी बेबी बेटी को बेवा भी करना पड़ा तो मुझे कोई आड़ महसूस नहीं होगी इसमें समझ आई मेरी बात। बेराम शाह के हाथों से अपना बाजू छुपाने की कोशिश करते हुए मुकद्दस बेगम पर चलाते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने बेसाता अपने कदम पीछे लिए जबकि जरगाम खान भागने के अंदाज में अरगमान खान के पीछे कब का जा चुका था। छोड़ो अकीदत बाद में देख लेंगे इस मामले को और मान जी चची को गार्ड में लेकर जाकर बिठाए आ रहा हूँ मैं आइस तुम दादी को अंदर लेकर चलो। बेराम ने बिपरी हुई अकीदत को काबू करते हुए बैग पर समरीन बेगम और आयस खान से कहा तो आयस आगे बढ़ता हुआ सर थामे बैठी वली बैठे वली खान को वहां से लिए अंदर के जाना पड़ा। मुझे अपने शोर से बात करनी है बेरा हाथ छोड़ो मेरा वरना मैं तुम्हारा भी लिहाज नहीं करूंगी मुझे मेरे शोर से जवाब चाहिए। अकीदत के दबे दबे लहजे पर उड़ा का कहने पर बेराम ने अकीदत के हाथ छोड़े तो वे कह बड़ी निगाह मुकद्दस बेगम पर डालते हुए तेज तेज कदम लेते हुए स्टेज से उतरकर अंदर के जाना पड़े। हुड़िया तुम पलवशा को लेकर अंदर जाओ बेराम शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए थर थर कांपती
बलबच्चा को देखते हुए हुडिया से कहा तो वे एक नफरत भरी निगाह मुकद्दस बेगम और कश्यप बेगम पर डालती। बलबच्चे को झटके से उसकी जगह से उठाती अंदर की जाना बढ़ी गई। तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर तुम पर तरस भी आ रहा है, मगर अपने भाई का सोच कर तुम्हें जान से मारने को शिद्दत से दिल चढ़ा है। हुडिया शाह की फुनकारती आवाज पर बलबच्चा ने अपनी सूजी मुतर्रम सुर नजरों से अपना बाजू साथी से दबोचे तेज तेज कदम चलती हुई हुडिया को देखा, जबकि इम्तसाल हक दक सी अपनी जगह खड़ी नम नजरों से सब कुछ फिर से एक बार बिखरते देख वहीं जमीन पर बैठ चली गई। इम्तसाल की नम नजरों को देख बहराम शाह ने सती अपनी मुठिया बीच पर अपने इतिशार पर काबू पाने की कोशिश की। एक कै बड़ी निगाह दोनों औरतों पर डालता तनफन करता हुआ हान